ट्रॉफी 2024 क्रिकेट रणसंग्राम सकाळचं सत्र मान्यवरांच्या शुभ हस्ते या स्पर्धेचा हा उद्घाटन समारंभ आपण पाहिलाय आणि त्यानंतर दर्शन बांदेकरचे पाच चेंडू पाच षटकार, प्रणय माकरची भेदक गोलंदाजी मैदानावर, बबल नाईकची फटकेबाजी, एक मॅचमध्ये बबल नाईकनं सुंदर गोलंदाजी केली, एका मॅचमध्ये अल्केश डोंगरेनं सुंदर गोलंदाजी केली, हा लेखाजोखा या स्पर्धेच्या माध्यमातून. सामन्याला सुरुवात होते मैदानावर, स्ट्रायकर एंडला सज्ज आलाय फलंदाज, गोलंदाजी मार्गवर अल्केश डोंगरे आपल्याला पाहायला मिळेल. तर सुरुवात केली होती सकाळच्या सत्रामध्ये सुंदर गोलंदाजी, दोन षटक आठ धावा दोन गडी बाद देणे केलं होतं, असा लेखाजोखा त्याचा. ज्येष्ठ जण आमच्यापर्यंत माहिती पोहोचवत आहेत, खास करून या स्पर्धेसाठी गुणलेखक म्हणून त्यांची वडे लागले, तब्बल 500 किलोमीटर प्रवास करून, आणि आमचा अक्षय धुरी मित्र तब्बल 400 किलोमीटर प्रवास करून या स्पर्धेसाठी पोहोचलाय. टेनिस क्रिकेट डॉट इनचे दोन हिरो आपल्याला पाहायला मिळत आहेत आणि ते पण पोहोचले आहेत तब्बल मुंबईवरून ही स्पर्धा. टेनिस क्रिकेट डॉट इनच्या मधून लाईव्ह आपण पाहतोय, भव्य दिव्य असं आयोजन या स्पर्धेच्या माध्यमातून. हा लेखाजोखा आहे. डाव्या हाताचा शैलीदार फलंदाज सज्ज आले समीर वेगुर्ले, स्ट्राईकला नो स्ट्राईकला सुशांत नाईक, हल्लीच्या टेनिस क्रिकेट एक गाव एक संघ पातळीवर त्यानं आपल्या खेळाचे शॉप सोडले आहे. सुशांत नाईक नो दर्यावरती मोचेवाण क्रिकेट संघावरून जो खेळतोय भरपूरदा, तो खेळाडू आपण पाहतोय. अकुल पवार पाहायला मिळेल. बैठ्यापटका पहिलाच आक्रमण करायचं होतं अल्केश डोंगरेवर, एकेरी धाव सेकेनं सांख्यिक धावपलक धावपलकावर आपण पाहतोय. खातं खोललं श्री गणेश केलं समीर वेगुर्लेकरनं पहिलं चेंडू चेंडूवर, गोलंदाजीसाठी सुंदर गोलंदाजी, फिरकीचा जादूगार मैदानावर सकाळचं सत्र समीर धुरीनं गाजवलं, सुंदर गोलंदाजी केली आणि कौतुक मी करेन या खेळाडूचं, अल्केश डोंगरेचं काय गोलंदाजी केली मैदानावर. अक्षरशः बांधून ठेवलं होतं, प्रवीण किंजरेकरनं काम केलं होतं, झेल टिपायचं होतं. हा लेखाजोखा या स्पर्धेच्या माध्यमातून आपण पाहतोय. दोन ऑफिशियल सर बाबू टेमकर सर संदीप किंजरेकर हे दोन ऑफिशियल्स आपण पाहतोय. पहिल्या चेंडूचा खेळ समाप्त झाला, एक धाव धावपळ कबार, आपण हा लेखाजोखा आपण बघितला या स्पर्धेच्या माध्यमातून. हलक्या हाताने खेळून काढल्या चेंडूला, दिशा दिली आहे चेंडूला, एकेरी धावसंख्येसाठी फटका पाहायला मिळतोय. पाच षटकांचा सामना आहे आणि पाच षटकांमध्ये खेळत असताना या मैदानावर जर विचार केला सुंदर गोलंदाजी करावी लागेल, फलंदाजी पण सुंदर करावी लागेल प्रतिस्पर्धी संघाला, दुर्बांग स्पोर्ट क्रिकेट संघाला 55 धावा पाहिजे पाच षटकाच्या विचार केला या मैदानावर, तर फायटिंग टोट उभारावी लागेल. गोलंदाजी प्रभावशील आहे पण समोर पण फलंदाजी आहेत, दोन उभरते सितारे आयकॉन खेळाडूच्या रूपात पाहायला मिळतील या मैदानावर. बीके स्पोर्ट क्रिकेट संघाच्या जो नेतृत्व करतोय तो मात्र तुषार परब, एक युवा खेळाडू, आणि त्यानंतर लढत ही दोन संघांची आपण पाहतोय मैदानावर. बैठक फटका पुन्हा टोलवायचं होतं, आक्रमण करायचं होतं, सुंदर गोलंदाजी मैदानावर बॅकफुटला केला, स्वतःला जागा बदलवली मैदानावर समीर वेंगुर्लेकर, म्हणजे पण गोलंदाज चतुराईनं नटलेला, थोडासा चेंडू थोडासा पाठी ठेवला आणि चेंडू फळीपासून दूर ठेवल्यानंतर निर्धाव चेंडू धावपलकावर घंटला जातोय. तीन चेंडूंचा खेळ समाप्त झालाय, दोन धावा धावपलकावर आपण हा लेखाचोखा आपण पाहतो या स्पर्धेच्या. दोन खोलवर टप्प्यावर चेंडू मोठा फटका, तुषार परब चेंडू असून दूर आहे आणि चेंडू वन बाउंड सीमारेषेबाहेर हा चौकारासाठी निघालाय. ज्या फटक्याच्या शोधात सुरुवातीपासून होता समीर वेंगुर्लेकर तो फटका निघालाय. चार या धावसंख्येची खूण ही 85 आमच्यापर्यंत पोहोचवत सांख्यिक धावपल धावपलकावर 6 धावा धावपलकावर. चेंडू सी मारे शबायर 6 धावांसाठी. पुन्हा एकदा मोठा फटका पाहायला मिळतोय, स्लॉट मधील चेंडू या मैदानावर फ्लॉट मध्ये पटवलाय, चेंडू सी मारेच्या बाहेर 6 धावांसाठी. फलंदाजांना नाचवलं, त्याच्यावर हल्ला बोल केला आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर 18 धावा धाव फलकावर.
पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त झालाय. सुशांत नाईक पहिल्या बॅट हलक्या हाताने खेळून काढलाय. नो मॅच लाईन बाय चेंडू, क्षेत्ररक्षकाला चकवून चेंडू या मैदानावर. जी डान्सिंग आउटफील्ड आहे त्या ठिकाणी चेंडू पाहायला मिळतो. एकेरी धावसंख्येची पावलं ही दुहेर धावसंख्येकडे आणि दुहेर धावसंख्येची पावलं ही मैदानावर तेरी धावसंख्येकडे. खराब क्रिकेट बी के स्पोर्ट क्रिकेट संघाला वापसी करायची आहे मॅचमध्ये, तर सुंदर क्रिकेट खेळावं लागेल. डायरेक्ट हिट लावायचा होता, बॅकअप न होता मैदानावर. परतीची फेक चुकीची झाली. ज्यानं पहिल्या षटकामध्ये आक्रमण सुरू केलं, हल्लाबोल केला ज्या गोलंदाजावर, त्या फलंदाजाकडे स्ट्राईक रोटेट केली आहे मैदानावर. 21 धावफलकावर आपण पाहतोय. गोलंदाजी मार्गवर समोर आहे तुषार, समोर आयकॉन खेळाडू. स्विजिटचा फटका टोलवायचा होता मैदानावर, लागला तर आव्हाद नाही तर बर्बादाचं विवरण. ह्या फटक्याचं विवरण झालंय मैदानावर. निर्धाव चेंडू धावफलकावर आपण पाहतोय. 21 धावफलकावर तुषार परम सज्ज आलाय. गती परिवर्तन आणि गती परिवर्तनावर एक एक सुंदर फटका. चेंडू वन बाउन्स सीमा रेषेबाहेर 4 धावांसाठी. युवा स्पोर्ट क्रिकेट संघाच्या सलामीच्या जोडून या मैदानावर धबधबा केलाय. मैदानावर फटकेबाजीला सुरुवात केली आहे समीर वेंगुर्लेकरनं. सुंदर गोलंदाजी करावी लागेल बी के स्पोर्ट क्रिकेट संघाला. उभरते सितारे आहेत, उभरताना कामगिरी करावी लागेल. पुन्हा एकदा स्विजेट ज्याचा मोह मैदानामध्ये आवरत नाही आहे ती गोलंदाजी आपण बघितली आहे. बैठा फटका टोलवायचा होता, फटका फसलाय मैदानावर. समीर वेंगुर्लेकर बॅक टू द पॅव्हिलियन, पहिला गडी बाद होतोय. ज्या कामासाठी समीरला पाठवलं होतं ते काम समीरनं पूर्ण केलंय. एकवीस धावांची बहारदार खेळ करणारा खेळाडू हा माघारी परतलाय. उत्कर्ष मित्र मंडळ दहिचाड आयोजित इष्ट ट्रॉफी 2024 हा क्रिकेटचा रणसंग भव्य दिव्य असं आयोजन आपण बघितलं या स्पर्धेचं. सामना रंगलाय मैदानावर, तुरशी सामना रंगलाय मैदानावर. षटकाची सागतकाधार अंतरिम चेंडूचा अजूनही खेळ बाकी आहे. समोर आहे संतोष सरमळकर, अणसूर गावचा तगडा खेळाडू. फटका या मैदानावर फसला, बॅकफुटला जाऊन फटका खेळण्याचा प्रयत्न होता स्केअरकटचा. पॉईंट रिझनचा क्षेत्ररक्षक स्क्रीनवर येतोय, परतीची फेक करतोय. तोपर्यंत एकेरी धावसंख्या 2 षटकांचा 12 चेंडूंचा खेळ समाप्त झालाय आणि 12 चेंडूच्या समाप्तीनंतर सांख्यिक धावफलक धावफलकावर आपण पाहतोय. तो 26 धावफलकावर महत्वाचा सामना दोन संघांसाठी. जो संघ या स्पर्धेमध्ये सामन्यामध्ये विजयी होईल तो पुढच्या फेरीमध्ये प्रवेश करेल. जो संघ पराभूत होईल त्याला येणाऱ्या कालखंडामध्ये या साखळी फेरीमध्ये थोडंसं अवघड होईल. आणि गोलंदाजी मार्गवर कोणता गोलंदाज सज्ज झालाय बहुतेक करून प्रवीण किंजळेकर आपण पाहतोय. अल्किश डोंगरे थोडासा महागडा ठरला, तुषार परबनं काम केलंय, एक मोठा फटका आलाय. हल्लेका चुका आपण बघितलाय, कमबॅक केलाय कारण समीर वेंगुर्लेकरला लवकरात लवकर माघारी परतवलाय. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला ही उभरते सितारेंची पावलं. बबल नाईक समीर वेंगुर्लेकर आपण पाहतोय आणि दोन आयकॉन खेळाडू, आज तगडा आयकॉन खेळाडू सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा
कोहिनूर हुरा देवबाग जेशन दर्शन बांदेकर पण या मैदानावर चढतला गेलाय आणि महत्त्वाच्या शब्दाच्या माध्यमातून दुसऱ्या बाजूने उभरते सितारे आहेत ते बी के स्पोर्ट क्रिकेट संघाच्या कोट्यामध्ये आपण पाहायला मिळते. ते पण आयकॉन दोन खेळाडू आहेत, प्रवीण केंद्रेकर आपण पाहतोय, सुंदर गती परिवर्तन, आडव्या बॅटना फटका खेळण्याचा प्रयत्न होता संतोष तळमळकरचा. हा अनसुरचा तगडा खेळाडू आहे, आज त्याला खेळवावी लागेल. त्याच्याकडे क्षमता आहे, ताकद आहे, सर्व काही आहे, पण कार्य करावं लागेल मैदानावर. पुन्हा एकदा गती परिवर्तन, आडव्या बॅटना जमदी लगेच आहे, डी पर्यंत कार्पेट पद्धतीचा फटका या मैदानावर. सुशांतने एक दुय धाव घेणं पसंत केलंय मैदानावर आणि दोन या धावसंख्येने सांख्यिक धावपलकावर आपण पाहतोय. 28 धावा धावपलकावर, धावा कशा येऊन आहेत, धावा महत्वाच्या आहेत. मी म्हणेन दुर्वांक स्पोर्ट क्रिकेट संघाला समीर वेंगुर्लेकरनं सुरुवात दिमाखात केली आहे आणि त्यानंतर या मैदानावर कळस चढवायचं आहे ते उर्वरीच्या फलंदाजाला. कर्णधार सुशांत नाईकला लढायचा आहे, संतोष सरवणकर लढायचा आहे, पण बी के स्पोर्ट क्रिकेट संघाच्या तुषार परबनं महत्वाचा ही गोलंदाजी आहे, ज्यानं तो खेळाडू काढला सर्कलमध्ये आणलाय पण त्यानं झेल सोडलाय. गोलंदाज प्रवीणनं आज सर्व काही केलंय, पण प्रवीण तुला नशिबाची आज बहुतेक साथ नाही वाटतंय, कारण क्षेत्ररक्षकाने झेल सोडलाय. सकाळच्या सत्रात प्रवीणनं दर्शनला बाद केलं होतं, दर्शनचं झेल सोडलं आणि दर्शननं शेवटच्या षटकामध्ये 31 धावा असताना 5 षटकार ठोकले आणि सामना समाप्त केला मैदानावर. मॅचेस म्हटलं आता कॅच झेल टिपायचे असतात मैदानावर. ज्यावेळी झेल सुंदर क्षेत्ररक्षण होतं त्यावेळी गोलंदाजाचा आत्मविश्वास वाढला जातो मैदानावर. आडव्या बॅटनं पुन्हा एकदा फटका पाहायला मिळतो, क्षेत्ररक्षक आलाय, पहिला प्रयत्न फ्रमबॉल झालाय, परतीचे फेक, तोपर्यंत एकेरी धावसंख्येची लहर. एक या धावसंख्येनं सांख्यिक धावपलकावर 31 धावा धावपलकावर. धावपलकाचा विचार केला सुसज्ज स्थितीमध्ये पाहायला मिळतोय. प्रवीण केंद्रेकरनं काम केलं होतं, संतोष सरबळकरला बाद केलं होतं, सुटलंय झेल मैदानावर आणि सुशांत नाईकनं खांद्यावर आपल्या जबाबदारी घेतली आहे आणि प्रवीण केंद्रेकर सज्ज आलाय. मोठा फटका ओव्हर पिच पद्धतीचा चेंड होता, फटका या मैदानावर बसला, क्षेत्ररक्षक दूर आहे, शर्तीचे प्रयत्न हे मैदानावर आपण बघितले आहेत आणि शर्तीच्या प्रयत्नानंतर दुहेरी धावसंख्या आपण बघितल्या. दुहेरी धावसंख्येनं सांघिक धावपलकावर बघितलाय 33 धावा धावफलकावर. प्रयत्न भरपूर चालू आहे दुर्वांक स्पोर्ट क्रिकेट संघाच्या बी के स्पोर्ट क्रिकेट संघासाठी. आज मैदानावर हे तगड आव्हानावर प्रतिस्पर्धी संघानं या मैदान आव्हान पूर्ण केलंय आणि त्यानंतर ही लढत करतोय मैदानावर. साखळी फेरीतील त्यांच्या कोट्यातील दुसरा सामना मैदान आपण पाहतोय या इस्टर ट्रॉफी 2024 माध्यमातून. क्रिकेटचा रणसंग्राम जणू काही विद्यमान सोहळा चालू आहे मैदानावर. आडव्या बॅटनं फटका खेळण्याचा प्रयत्न होता, क्षेत्ररक्षक आलाय, परतीची फेक करतोय, तोपर्यंत एकेरी धावसंख्या आणि एक या धावसंख्येनं सांघिक धावपलक धावपलकावर. 34 धावा धावपलकावर, 18 चेंडूंचा खेळ समाप्त झालाय, 3 षटकांचा खेळ आणि 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावपलक धावपलकावर 34-12 चेंडू उरलेत आणि उर्वरीच्या 12 चेंडूंवर काय खेळतंय मैदानावर. टीम मिटिंग लागली आहे, कोणाकडे षटक द्यावं या मैदानावर कर्णधार बातचीत करतोय. तोपर्यंत आपण ऐकूया, जोडूया. सज्ज झालाय देऊला, आज कार्य करावं लागेल. उद्याच्या सत्रात या मैदानावर लतेश साळगावकर, प्रतीक गवंडे, त्याचबरोबर रेडी एक्सप्रेस गौरेश कांबळी शॉटम्पुल या मैदानावर दे दादन सुशांत नाईक ऑन फायर, चेंडू सी मारेशा बाहेर, 6 धावांसाठी
अबर खराब चेंडू शॉर्ट पिप प्रकारचा चेंडू आणि शॉर्ट टर्म पुलचा फटका या मैदानावर. पुल सक्सेसफुल आपण बघितलंय मैदानावर. सुशांत नाईकनं लढायला सुरुवात केली मैदानावर. एक तेरी और एक मेरी निर्णय तिरंगले मैदानावर. देवधुरीनं या मैदानावर साईड चेंज केली, गोलंदाजीला सुरुवात केली मैदानावर. आणि त्यानंतर निर्धाव चेंडू आपण बघितलाय. सुशांत नाईकनं आक्रमण पसंत केलंय. स्लॉक ओव्हरला आक्रमण पाहिजे. फटका बसलाय, धोक्याची घंटा बसली आहे. सुशांत नाईकची झेल गली क्षेत्ररक्षक सुंदर झेल टिपलाय. आणि एका षटकारानं जण आपल्या संघासाठी दुर्वांक स्पोर्ट क्रिकेट संघासाठी साळगावकर त्याचबरोबर प्रतीक गवंडे रेडी एक्सप्रेस गौरेश कांबळी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा छोटा पॅकेज बडा धमाका गणेश कुबल आपण या मैदानावर पाहू. आजच्या सत्रात एकापेक्षा एक रती महारती लढत करतायत मैदानावर. आजचा शेवट या मैदानावर. सुरुवात तर दे ददादन झाली या स्पर्धेची. दर्शन बांदेकरनं पाच षटकाराची आतषबाजी केली मैदानावर. बबल नाईकनं फटकेबाजी केली. आणि त्यानंतर या मैदानावर सुरुवात तर या मैदानावर समीर वेगुर्लेकरनं सुरेख करून दिले. सुशांत नाईकनं एक मोठा फटका टोलवलाय. आणि ह्या संघाची रन मशीन दुर्वांक स्पोर्ट क्रिकेट संघासाठी आरवली श्वारावली क्रिकेट संघासाठी तो भरपूर क्रिकेट खेळलाय. तो आज दुर्वांक स्पोर्ट क्रिकेट संघाच्या कोट्यातून खेळतो. अनुप मातोंडकर आज त्याला या मैदानावर बहर दिली फलंदाजी करेल करावी लागेल. सुगंधानं नटावं लागेल सुरगींच्या फुलांसारखं. आणि आज खेळावं लागेल मैदानावर. आल्या आल्या आडव्या बॅटना पटका डीप फॉलो द कार्पेट मध्ये. स्क्वेअर लेगला डीप स्क्वेअर लेगकडे क्षेत्ररक्षक आलाय वेगाला परतीची फेक करतोय. तोपर्यंत एकेरी धाव संख्या चिल्लर मैदानावर. देऊच्या एक मोठा फटका जोर आला पण देऊनं कम बॅक केलाय. संघाचा स्ट्रायकर गोलंदाज यावेळी थोडासा महागडा ठरलाय. तुषार परबनं प्रवीण केंद्रेकरनं देऊ धुरीनं बीके स्पोर्ट क्रिकेट संघाच्या कोट्यातून कामगिरी केली आहे मैदानावर. धाव संख्येला रोधक लावलाय. संतोष सरमळकरला एक जीवनदान बहाल झालाय. हा लेखा जोगा या स्पर्धेचा. मोठा फटका चेंडू या मैदानावर. एक सुंदर फटका ज्या खेळाडून झेल सोडलाय मैदानावर. आणि ज्या सकाळपासून आपण बघितलंय गावची आन मला निशाण आपण पाहतोय मैदानावर. आडव्या भेटणं पुन्हा एकदा फटका. सुरेख क्षेत्ररक्षण केलंय. दुसऱ्या टर्न तिसऱ्या टर्न मध्ये चेंडूला अडवलाय. आणि पडते पर्यंत एक केली धावसंख्या. एक या धावसंख्येनं सांघिक धावपल धावपलकावर आपण पाहतोय. गोलंदाज भरभर गोलंदाज पाहायला मिळतोय. अल्केश डोंगरे आपण पाहतोय. समोर आहे संतोष. आडव्या बॅटनं फटका मारण्याचा प्रयत्न. क्षेत्ररक्षकानं परतीची बॅग वेगानं केली आहे. आणि संतोष सरवळकरला नमस्कार करावा लागलाय मैदानावर. धावचीच्या स्वरूपात माघारी परतलाय. आज चेंडू 13 धावांची खेळी करणारा संतोष सरमळकर एका जीवदानावर नटलेले की धावचीच्या स्वरूपात माघारी परतलाय. अनुप मातोंडकरनं स्वतःच्या खांद्यावर जबाबदारी घेतली आहे. आज त्याला खेळावं लागेल. आज लढत करावी लागेल आपल्या घरच्या रसिक प्रेक्षकांच्या समोर. मूर्ती लहान पण कीर्ती महान सी ए गजानन क्रिकेट संघासाठी तो भरपूर क्रिकेट खेळतोय मैदानावर. सकाळच्या चार चेंडूमध्ये चार जण गडी बाद केले. स्पर्धेची पहिली हॅट्रिक तो ज्ञानोबा
आणि ज्ञानोबा आलाय मैदानामध्ये आणि त्यानंतर अनुपनं या मैदानावर फटके बाजायला सुरुवात केली आहे. सुगंधानं दरवळायला सुरुवात. 54 धावा धावपळकावर अनुप मातोंडकर ऑन फायरला सुरुवात झाली आहे मैदानावर. अनुबाय तोपर्यंत दुर्वांक स्पोर्ट क्रिकेट संघाच्या कोट्यामध्ये दे धनादन आहे. फटका फसला या मैदानावर. पैठ्या फटका खेळायचा होता. घुटना ते गोल सिक्सर ते मला फटका डोळवायचा होता मैदानावर. एकेरी धावसंख्येने सांघिक धावपळ धावपळकावर 55 धावा धावपळकावर आपण पाहतोय. 3 चेंडूंचा खेळ समाप्त झालाय. उर्वरीचे 3 चेंडू बाकी आहेत. उर्वरीचे 3 चेंडूवर मूर्ती लावून पण कीर्तिमान जो खेळाडू आपण बघितलाय त्याच्या दिसण्यावर जाऊ नका मित्रांनो. त्याचे फटके तगडे असतात. तो ज्ञानोबा ज्या फटक्यासाठी स्पेशल तो फटका जरूर खेळलाय ज्ञानोबानं. नो मॅन्स लाईन मध्ये चेंडू बिसवलाय. बॅकअप नाही आहे. नशिबाची साथ ही नैसर्गिक अडथळा याची. आणि धावपलक धावपलकावर ही 3 धावसंख्या मिळते आहे. आणि 3 या धावसंख्येनं सांख्यिक धावपलक धावपलकावर लगावलाय. पुढे सरकलाय. जयेश आमच्यापर्यंत माहिती पोहोचवतो. 58 धावा धावपलकावर फायटिंग टोटल झाली आहे. बी के स्पोर्ट क्रिकेट संघाच्या तुषार परबला जलवा करावा लागेल. अरवली प्रीमियर लीगचा तो मालिकावीर होतो एका वर्षी त्याला खेळावं लागेल. ही लढत करावी लागेल बी के स्पोर्ट क्रिकेट संघाला. कारण समोर गोलंदाजी आहे. समीर वेंगुर्लेकर भेकावर स्वार होऊन फिरकीचा जादूगारसारखी गोलंदाजी करेल. आणि त्यानंतर या मैदानावर अकुल पवारची भेदक गोलंदाजी असेल. हा लेखा चौका असेल. हलक्या हाताने खेळण्याचा प्रयत्न होता. अनु मातोंडकर वेगानं आलाय. चेंडूपर्यंत पोहोचला या मैदानावर. एकेरी धावसंख्येने सांघिक धावपळ धावपळकावर 59 धावा धावपळकावर. 60 या धावसंख्येचा पाठलाग करायचा आहे. प्रति षटकामध्ये 12 सरासरीने खेळायचा या मैदानावर बी के स्पोर्ट. बोल केला. 73 धावांचा ढोंगर उभा केला होता. सुटलेलं जेल बरंच काही सांगून गेले मैदानावर. पण ते सर्व काही विसरावं लागेल बी के स्पोर्ट क्रिकेट संघाला. आणि विसरल्यानंतर ही मैदानावर लढत आणि लढत करावी लागेल.
धन्यवाद योगेश सर, चलेगा मैदान के बीच में पांच ओवर का मुकाबला और पांच ओवर में 60 रनों का टारगेट मैदान के बीच में सेट किया है। बिल्कुल बीके स्पोर्ट हासिली टीम में जो बल्लेबाजी करते हुए अब मात्र सेकेंड इनिंग में स्ट्राइक पर तुषार परब, नॉन स्ट्राइक के ऊपर सिद्धेश गाड़ी, ये दोनों बल्लेबाज नजर आते हुए। गेंदबाजी मार्ग के ऊपर अगर बात की जाए तो समीर वेंगुर लेकर गेंदबाजी मार्ग के ऊपर आइकॉन खिलाड़ी। बिल्कुल एक बिग फाइट मुकाबला, दोनों लूजर टीमों के बीच में ये मुकाबला जरूर है। फिर एक बार चले गेंदबाजी मार्ग के ऊपर, पर के दाई ओर से गेंदबाजी, यह गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद, हल्की सी उछाल प्राप्त करते हुए गेंद, बिल्कुल जी हाँ बिल्कुल एक अतिरिक्त रन मिलेगा इस गेंद के ऊपर, हल्की सी बाहर निकली गेंद ऑफ्टिक के और इसीलिए अंपायर ने दंडित कर दिया। एक रन के तहत पारी का स्कोर, पारी का खाता शुरू होता हुआ शाम के सत्र में एक शांत मुकाबला यहाँ पर नजर आता हुआ। 60 रनों का टारगेट सेट किया है मैदान के बीच में पांच ओवर में, कम से कम पहले पावर प्ले के ओवर में रन बनाने की कोशिश करेंगे दोनों बल्लेबाज। अगर बात की जाए तो तुषार परब और उनके साथ देने के लिए सिद्धेश, और यही कोशिश रहेगी कि पहले ओवर में कम से कम 15-20 रन बनाए जाए। दूसरी गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद टिप्पा करने के बाद थोड़ी सी नीचे रही, पिछली गेंद जो बिल्कुल वाइड निकल चुकी थी उसका पूरे पूरे भरपाई करते हुए गेंद विकेट कीपर के दस्तर में बगैर कोई रन से बगैर कोई नुकसान से यहाँ पर और एक बिंदी गेंद की समाप्ति स्कोर कार्ड के ऊपर। कुल मिलाकर दो गेंदों का खेल हुआ समाप्त, वाइड के तहत एक रन खर्च किया अभी तक समीर वेंगुर्लकर ने। एक बेहतरीन गेंदबाज, एक युवा गेंदबाज है बिल्कुल सिंदूर के स्तर पर जिसका प्रदर्शन रहता है। इसी भी थर्ड मैगजीन में टैप की हल्के हाथ से गेंद को और यहां पर सिंगल रन मुकम्मल करेंगे दोनों बल्लेबाज और सिंगल के तहत पारी का स्कोर दो रनों के ऊपर नजर आता हुआ। अच्छी गेंदों को सम्मान करो और खराब गेंदों को आसमान दिखाओ, एक अच्छी रणनीति है मैदान के बीच में, लेकिन कहीं ना कहीं हाथ खोलने होंगे पावर प्ले के ओवर में क्योंकि दो खिलाड़ी 30 गज के दायरे के बाहर। अगर बात की जाए एक अकुल पवार जो और उनके साथ साथ संतोष शर्मा का, ये दो खिलाड़ी 30 गज के दायरे के बाहर है। फाइनली क्रिजन में गेंद ट्रैवल हो रही तेजी और रफ्तार के साथ यहां पर गेंद निकल जाएगी सीम आरे का पार 4 रनों के लिए। नए बल्लेबाज धीरे धीरे मैदान के बीच में विकी मेंडिस नजर आते हुए स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज भी पिछले मुकाबले में देखा बिल्कुल दो बड़े शॉट विकी के बल्ले से बिल्कुल स्क्वायर लेकर इधर में निकले थे, लेकिन अब मात्र गेंदबाजी मार्ग के ऊपर आखिरी गेंद लेकर चले समीर वेंगुर लेकर अंपायर के दाई ओर से गेंदबाजी करेंगे। स्ट्राइक के ऊपर विकी मेंडिस, नॉन स्ट्राइक के ऊपर तुषार परब। स्लो रन गेंद, गति में परिवर्तन, चेंज ऑफ द पेस जैसे कहा जाता है, बिल्कुल बल्लेबाज को चकमा देती हुई गेंद विकेट कीपर के दफ्तर में बगैर कोई रन से बगैर कोई नुकसान से ऑफ्टिक के बाहर रखी थी गेंद, बिल्कुल गुड लेंथ के ऊपर टिप्पा करने के बाद हल्की सी उछाल प्राप्त करते हुए थोड़ी सी बिल्कुल विकेट कीपर के दफ्तर में जाकर रुकी और यहाँ पर बिंद गेंद की समाप्ति स्कोर कार्ड के ऊपर। कुल मिलाकर पहले ओवर का खेल हुआ समाप्त, मात्र 6 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर। डीजे
अकुल पवार ने एक गेंदबाज कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो 60 रनों का पीछा करना है, तो बड़े शॉट के लिए तलाश यही से करनी होगी मैदान में। तुषार पर अब एक छोर के ऊपर बिल्कुल ताबड़तोड़ वाली बल्लेबाज है, करने होगी यहाँ से हाथ खोलने होंगे उनका साथ देने के लिए विकी मेंडिस और एक तेज तर्रार बल्लेबाज मैदान के बीच में। अकुल चले अपने ओर से पहली गेंद, अंपायर के बाई ओर से गेंदबाजी करेंगे। नौटा गेंद के ऊपर अनुप मातोंडकर, इसी बीच चले पहली गेंद और फुल टॉस गेंद बिल्कुल स्क्वायर लेग क्रीज में तान दी गेंद को, गेंद बिल्कुल जाएगी सी मारे का पार और चार। फिर एक बार चले अकुल गेंदबाजी मार के ऊपर, कदमों का इस्तेमाल आगे जाकर खेलने का प्रयास था लेकिन आखिरकार बिल्कुल गेंद को छोड़ दिया, लेकिन शायद यहाँ पर व्हाइट की मांग। जी हाँ बिल्कुल, एक अतिरिक्त रन मिलता हुआ बिल्कुल उसके साथ बिल्कुल लॉन्ग स्टंप क्रीज में गेंद निकली थी, दौड़कर एक रन निकाला, बिल्कुल दो रन मिलते हुए इस गेंद के ऊपर और दो रनों के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ता हुआ कुल मिलाकर 14 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। दूसरे ओवर के कुल मिलाकर पहले गेंद का खेल हुआ समाप्त। अकुल पवार है गेंदबाजी मार के ऊपर, 60 रनों का लक्ष्य मैदान के बीच में सेट किया गया है लेकिन यहां से हाथ खोलने होंगे दोनों बल्लेबाजों को, बड़े शॉट की तलाश होनी चाहिए। एक छक्का जरूर लगाया था पहले गेंद के ऊपर, यहां पर कवर राय लेफ्ट लॉफ्ट हेड कवर राय का इस्तेमाल, बिल्कुल वन बाउंस यहां पर फील की जाएगी गेंद को, गेंद को फील करके वापिस थ्रो, तब तक दूसरा रन मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने और दो रनों के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। सीमित 5 ओवर का मुकाबला, 60 रनों की टारगेट है मैदान के बीच में सेट किया गया उनका पीछा करने के लिए। अब मात्र फिर एक बार गेंदबाजी मार्क के ऊपर चले अकुल पवार और एक गेंद बिल्कुल अंदर की तरफ आती हुई, बिल्कुल ऑफ्टी के बाहर रखी थी गेंद लेकिन काफी हद तक अंदर की तरफ आई गेंद, बेहतरीन गेंदबाजी। बिंदी गेंद की समाप्ति, फिर एक बार स्कोर कार्ड के ऊपर कुल मिलाकर 4 गेंदों का खेल हुआ समाप्त, 3 गेंदों का खेल हुआ समाप्त, 3 गेंदों का खेल यहाँ पर समाप्त होता हुआ और एक गेंद बिल्कुल अब मात्र सही लाइन में और लेन के हिसाब से गेंदबाजी। टिप्पणी करने के बाद थोड़ी सी अंदर की तरफ आती हुई गेंद, बल्लेबाज को चकमा देकर बिल्कुल बल्लेबाज व्हाइट की तलाश कर रहे थे लेकिन गेंद अंदर की तरफ आती हुई, ये अंपायर का कहना। इसी बीच और एक बिंदी गेंद के समाप्ति स्कोर कार्ड के ऊपर कुल मिलाकर 4 गेंदों का खेल हुआ समाप्त। अकुल पवार चले फिर एक बार गेंदबाजी मार के ऊपर 5वीं गेंद लेकर, यह गेंद काफी बाहर निकलती हुई, अंपायर ने नो करार दे दिया यानी कि बिल्कुल सोने पे सोगा अंपायर का, बिल्कुल नो करार यानी कि फ्री हिट के लिए मौका जरूर बनेगा। जी हाँ बिल्कुल फ्री हिट के लिए मौका बनता हुआ। अठारह रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 4 गेंदों का खेल हुआ समाप्त, थोड़ा सा शांत क्रिकेट चलता हुआ क्योंकि बड़े शॉट अभी तक आए नहीं है, एक छक्का जरूर लगा था स्क्वायर लेग के रिजन में लेकिन उसके बाद फिर एक बार शांत नजर आते हुए लॉन्ग शॉट के रीजन में लॉन्ग ऑन के रीजन में गेंद निकलते हुए बिल्कुल वी शेप में खेलने का प्रयास। नैनोबा आते गेंद के ऊपर, गेंद को फील करते वापस थ्रो करेंगे, तब तक सिंगल रन मुकम्मल, सिंगल डबल के ऊपर निर्भर रह रहे बिल्कुल अब मात्र दोनों बल्लेबाज लेकिन बड़े शॉट की तलाश में बार बार कहते आ रहा हूँ कि बड़े शॉट की तलाश करनी होगी क्योंकि 60 रनों का टारगेट को पीछा करने के लिए 2-3 बड़े शॉट लगने चाहिए मैदान में। यह गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद, बिल्कुल घूमकर शॉट खेलने का प्रयास था, सिंगल रन मुकम्मल करके दूसरे रन का कोई प्रयास नहीं रहेगा और सिंगल के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ा 20 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। 12 गेंदों का खेल हुआ समाप्त, 20 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर, अभी भी 18 गेंदों का खेल बाकी है और बाकी है मैदान के बीच में अक्षय परप और उसका साथ देने के लिए
तुषार परब उनका साथ देने के लिए और एक बल्लेबाज विक मेंडिस, ये दोनों बल्लेबाज नजर आते हुए मैदान के बीच में। 18 गेंदे और 40 रन ये टारगेट रहेगा बिल्कुल मैदान में। एक विकेट वापस जरूर लौटा डगआउट में सिद्धेश गाड़ी, लेकिन उसके बावजूद अगर बात की जाए तो विक मेंडिस और तुषार परब बिल्कुल सिंगल टेबल के ऊपर निर्भर है। बिल्कुल बल्लेबाज गेंदबाज की तारीफ करनी होगी, बांध के रखा है, जकड़ के रखा है, अभी तक बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका नहीं दिया है। बेहतरीन गेंदबाज, एक कसावट भरी गेंदबाजी का जिम्मा। बिल्कुल अगर बात की जाए तो गेंदबाज पहले समीर वेंगुलेकर, उनके साथ साथ बिल्कुल अकुल पवार की गेंदबाजी। तीसरा ओवर लेकर बिल्कुल खुद के कंधों के ऊपर जिम्मेदार लेकर छोटा पैकेज बड़ा धमाका मिस्टर नैनो बनारवेकर मैदान के बीच में गेंदबाजी का जिम्मा लेकर। विकेटों के पीछे बिल्कुल समीर वेंगुर लेकर फिर एक बार चले गेंदबाजी मार के ऊपर नैनोबा ट्राई के ऊपर विके मेंडिस के लिए गेंद, पहली गेंद ऑफ टिके बाहर रखी, फिर एक बार अंपायर ने दंडित कर दिया और एक अतिरिक्त रन खाते में जुड़ा जाएगा और एक रन के तहत पारी का स्कोर 21 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। 39 रन की जरूरत आने वाले बिल्कुल 18 गेंदों के ऊपर। फिर एक बार चले नैनोबा गेंदबाजी मार के ऊपर, फिर थोड़ी सी अब मात्र तितराई जा चुकी है। पटकी हुई गेंद बिल्कुल आड़े बल्ले के साथ खेला हुआ, बिल्कुल शॉट यहाँ पर संतोष शर्मा का आएगा गेंद के नीचे और बिल्कुल लाजवाब कैच और एक यस डीजे नए बल्लेबाज मैदान के बीच में गौरेश धूरी नजर आते हुए जो स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाजी करेंगे। नैनोबा की बिल्कुल बेहतरीन गेंदबाजी, पहली गेंद थोड़ी सी वॉपटी के बाहर रखी थी लेकिन दूसरी गेंद यानी कि बेहतरीन गेंद डिलीवर की गई, चलता किया एक हार्ड हिटर बल्लेबाज विके मेंडिस बैक टू द पवेलियन। फिर एक बार प्रयास करेंगे अपने ओर से अगली गेंद डालने का विके नैनोबा, बिल्कुल और एक बहुत ही बढ़िया गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद। फिर एक बार चले अगली गेंद लेकर बिल्कुल नैनो बाकी गेंद शप्पल होकर खेलना हुआ शॉट स्क्वायर लेके ऊपर से तान दी गेंद, गेंद जाएगी बिल्कुल सी मार के पार 6 रनों के लिए। हेलो, कुल मिलाकर 3 गेंदों का खेल हुआ समाप्त। बिल्कुल गौरीश के बल्ले से निकलता खूबसूरत स्ट्रोक बिल्कुल स्क्वायर लेकर रिजन में क्लियर करता पटकी गेंद, फिर एक बार स्ट्रेट ग्राउंड खेलने का प्रयास जब तक अकुल पवार आएंगे गेंद के ऊपर, गेंद को फील करके वापस थ्रो करेंगे। सिंगल रन मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने और सिंगल के तहत बिल्कुल अब मात्र पारी का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 28 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। धीरे धीरे मुकाबला बिल्कुल एक हाई वोल्टेज में तब्दील होता हुआ और एक दो बड़े शॉट की तलाश मैदान के बीच में बिल्कुल तुषार को करनी होगी। कदमों का इस्तेमाल आगे आकर खेलने का प्रयास लेकिन चेंज ऑफ द पेस वाली गेंद थी, गति में परिवर्तन लाया वहां पर नैनोबा ने, देखा जी को बल्लेबाज पहले से शफल हो चुके हैं और बिल्कुल उसके लिए तेज तर्रार गेंद करने की जरूरत नहीं होती, बिल्कुल स्लो रन गेंद की दिमाग से खेलते हैं मैदान में। आखिरी गेंद का खेल बाकी और आखिरी गेंद के ऊपर फिर एक बार ट्राई कीपर बल्लेबाजी करते हुए तुषार ब्लॉकल में डालने का प्रयास, इस बार खोज के निकाला गेंद को, गेंद काफी देर तक हवा में स्क्वायर लेके ऊपर से तान दी गेंद जाएगी सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए।
हेलो बिल्कुल 12 गेंदे और 26 रनों की जरूरत, 12 गेंदे 26 रन, यह जीत का इक्वेशन मैदान के बीच में। स्ट्राइक के ऊपर गौरीश, नौ स्ट्राइक के ऊपर तुषार, दोनों बल्लेबाजों ने एक एक बड़े शॉट लगाए। बिल्कुल अब मात्र मैच हाई वोल्टेज में तब्दील हो चुकी है। गेंदबाजी मार्ग के ऊपर अकुल पवार, 12 गेंदों का खेल बाकी, 6 गेंदे बिल्कुल अकुल पवार के हाथों में। विकेटों के पीछे बिल्कुल समीर वेंगुर लेकर फील्ड में तब्दीली करते हुए बिल्कुल चलेंगे फिर एक बार मैदान के बीच में अपने ओर से अगली गेंद लेकर। अगेन ऑफ स्टिक हल्की सी बाहर रखी, बिल्कुल बार बार प्रयास कर रहे बल्लेबाज को ललचाने कर, बिल्कुल शफल होकर खेलने के लिए, कदमों का इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन गेंद बिल्कुल कहीं ना कहीं फंसते हुए ऑफ स्टिक के बाहर। एक अतिरिक्त रन के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 35 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। काफी बाहर निकल चुकी थी गेंद और फिर एक बार प्रयास करेंगे पहली गेंद डालने का। अकुल पवार अंपायर के दाई ओर से गेंदबाजी, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, गेंद हवा में खड़ी होती हुई आएगी, गेंद सीमा रेखा पार, 6 रनों के लिए डीजे। हेलो 11 गेंदों का खेल बाकी, 19 रनों की जरूरत, 11 गेंदे 19 रन कुल मिलाकर। अगर बात की जाए कुल पवार की गेंदबाजी, अभी 5 गेंदों का खेल बाकी, ऑफ स्टिक की हल्की सी बाहर रखी हुई गेंद और स्ट्रेट ग्राउंड, काफी खूबसूरत स्ट्रोक बिल्कुल गौरीश के बल्ले से निकलता हुआ शॉट सीमा रेखा पार पहुंचा 6 रनों के लिए। फिर एक बार चले अकुल गेंदबाजी मार के ऊपर, स्ट्राइक के ऊपर बिल्कुल गौरीश, कदमों का इस्तेमाल, शपर ऊपर खेलने का प्रयास और एक बार उड़ाया गेंद को, बिल्कुल स्क्वायर लेग के ऊपर से तान दी और एक बार गेंद पानी में जाती हुई। दस गेंदे और 13 रन जीत का इक्वेशन। चल गेंदबाजी मार के ऊपर अकुल पवार, स्ट्राइक के ऊपर अगर बात की जाए तो गौरीश के बल्ले से बैक टू बैक 2 छक्के नजर आते हुए और एक गेंद स्क्वायर लेकर रन में बिल्कुल लाजवाब स्ट्रोक, बिल्कुल वापस खिलाड़ी जाते गेंद को फील करेंगे, वापस स्ट्रोक करेंगे, तब तक दूसरा रन तब्दील किया दोनों बल्लेबाजों ने और यहाँ पर दूसरा रन मुकम्मल, तीसरा रन मुकम्मल दोनों बल्लेबाजों द्वारा। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट और अगर बात की जाए दोनों बल्लेबाजों की तो विकेट के बीच में बहती बिल्कुल तेज तर्रार बल्ले रनिंग बिटवीन द विकेट है, बिल्कुल अच्छी गेंदों का सम्मान किया जा रहा है। बिल्कुल अगर बात की जाए तुषार की तो बेहतरीन यहाँ पर बल्लेबाजी, आखिरी दम तक लड़े मैदान के बीच में। फिर एक बार शपल ओवर खेलने का प्रयास, लॉन्ग स्टॉप के समय गेंद ट्रैवल हो रही है, सिंगल रन मुकम्मल, जानते हैं अच्छी तरह से बिल्कुल तुषार, अच्छी गेंदों का सम्मान करो और खराब गेंदों को आसमान दिखाओ। बिल्कुल सामने वाले बल्लेबाज को बार बार स्ट्राइक के ऊपर लाकर खड़ा कर रहे हैं गौरीश को, क्योंकि जानते हैं बिल्कुल तुषार गौरीश के में क्षमता है, ताकत है, बैतार के बीच में शपल होकर खेलना, यानी कि बिल्कुल कॉन्फिडेंस बिल्कुल सातवें आसमान के ऊपर उनका, और उसी हिसाब से उनको स्ट्राइक के ऊपर लाकर खड़ा कर दिया। फिर एक बार चले तुषार लॉन्ग टॉप के रिटर्न में, फिर एक बार गेंद ट्रैवल हो रही है, सिंगल रन मुकम्मल, सिंगल डबल अब मात्र उसके ऊपर निर्भर, कुल मिलाकर 52 रन बनते हुए स्कोर कार्ड के ऊपर। 7 गेंदे और 8 रनों की जरूरत। और एक गेंद बिल्कुल बेहतरीन फील्डिंग, वहां पर दूसरा सिंगल रन मुकम्मल दोनों बल्लेबाजों द्वारा।
कुल मिलाकर 4 ओवर का खेल हुआ समाप्त, यानी कि 24 गेंदों का खेल यहां पर समाप्त होता हुआ। 24 गेंदों के समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड के ऊपर रन बने 53 रन बने, 7 गेंदों में 7 रनों की जरूरत बिल्कुल 6 गेंदों के ऊपर, 6 गेंदे 7 रन, ये जीत का इक्वेशन किसके ऊपर जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, क्योंकि एक चोर की अगर बात की जाए तो बेहतरीन पार्टनरशिप मैदान के बीच में तुषार परब, उनका साथ देने के लिए गौरी धुरी, बिल्कुल अच्छे पार्टनरशिप मैदान के बीच में बनती हुई। सिंगल डबल के ऊपर बिल्कुल गेम को आगे लेके गए और उसके बाद बड़े शॉट जो एक स्क्वायर लेग के रिजल्ट में एक लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ बीच में, यानी कि स्ट्रेट ग्राउंड खेले हुए शॉट बेहतरीन बल्लेबाज मैदान के बीच में गौरीश के, उनका साथ बिल्कुल तुषार बेहतरीन तरीके से देते हुए बार बार स्ट्राइक के ऊपर लाकर खड़ा कर रहे थे। बिल्कुल जानते थे कि गौरीश में क्षमता है, ताकत है बड़े शॉट करने की, और ऐसे कार्य में बहुत बार गौरीश ने किया है जरूर मैदान में, और इसीलिए बिल्कुल उनको बार बार स्ट्राइक देने की कोशिश कर रहे। खुद कप्तान गेंदबाजी मार्ग के ऊपर सुशांत नाइक आ चुके हैं, अंपायर के दाई ओर से गेंदबाजी शायद करेंगे, जी हाँ बिल्कुल दाई ओर से गेंदबाजी, फील्ड में बार बार तब्दील नजर आते हुए बार बार फील्ड में तब्दीली, 6 गेंदे और 7 रनों की जरूरत, पहले गेंद लेकर सुशांत नाइक स्ट्रेट ग्राउंड खेलने का प्रयास, बिल्कुल अनुप मात्र को जाएंगे गेंद के ऊपर, गेंद को फील करेंगे वापस थ्रो करेंगे, सिंगल रन मुकम्मल, सिंगल डबल के ऊपर निर्भर और सिंगल के तहत पारे का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 54 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 6 रनों की जरूरत 5 गेंदों में, 5 गेंदे 6 रन, यह जीत का इक्वेशन अब मात्र, सिंगल डबल के ऊपर निर्भर, सुशांत खुद आइकॉन खुद कप्तान मैदान के बीच में गेंदबाजी मार के ऊपर नजर आते हुए अपने ओर से दूसरी गेंद लेकर स्ट्राइक के ऊपर गौरीश धुरी, ये गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद, बिल्कुल बल्लेबाज को चकमा देते हुए गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में बगैर कोई रन से बगैर कोई नुकसान से, और एक बिंदी गेंद की समाप्ति स्कोर कार्ड के ऊपर, यानी कि कुल मिलाकर 4 गेंदों का खेल बाकी, 6 रनों की है जरूरत इस मुकाबले को जीतने के लिए। बीके स्पोर्ट जो कि बल्लेबाजी करते हुए टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला, और पहले बल्लेबाजी की बिल्कुल अगर बात की जाए दुर्वांग स्पोर्ट टीम ने 60 रन का टारगेट रखा, इसी बीच उड़ाया गेंद, मैच खत्म, बिल्कुल गेंद सीमा रेखा पार, 6 रनों के लिए, और यहां से मैच जीतते हुए बिल्कुल स्पोर्ट या दोनों संघ दरमियान